हमारे देश भारत की सबसे पुरानी मस्जिद मौजूद है केरल के एक छोटे से शहर कोडंगलूर में। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले इस शहर में सबसे पहले पड़े थे इस्लाम के कदम। वैसे तो देश में आज भी कई लोगों को लगता है कि इस्लाम भारत में सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में आया था, वो भी 8वीं सदी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई ये है दोस्तों कि इस्लाम के सबसे पहले पैर पड़े थे साउथ इंडिया में, वो भी केरल में, जब अरब के नए नए मुस्लिम व्यापारी यहाँ ट्रेड के लिए आया करते थे। जब ये व्यापारी यहाँ ज्यादा आने लगे तो इसी कड़ी में केरल के राजा की भी मुलाकात इन ट्रेडर्स से हुई थी और यहीं से शुरुआत हुई थी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद बनने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्जिद तुरंत ही बन गई, और ना ही ऐसा है कि केरल के राजा ने ही ये मस्जिद बनवा दी। ये काम कई साल बाद हुआ, और तब हुआ जब वो राजा जीवित नहीं बचा था। लेकिन इस राजा ने एक शुरुआत की जिससे ना सिर्फ साउथ इंडिया में इस्लाम को एंट्री दी, बल्कि बहुत गहराई से इस्लाम को साउथ में डेवलप किया। इसका असर आज भी आप केरल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस वक्त अरब में पैगंबर मोहम्मद की रुखसती हुई, उसी टाइम पर केरल में चेर वंश के राजा चेरामन पेरुमल राज करते थे। उनके ही दरबार में अरब व्यापारी आया करते थे। इन्हीं चेरामन पेरुमल को सपना आया था चांद के दो हिस्सों में टूटने का। जब उन्होंने दरबार में इस बात को रखा तो अरब के व्यापारियों ने उन्हें इस्लाम और अपने नबी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि यह चमत्कार मोहम्मद नाम के नबी की बदौलत हुआ है, जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम के प्रचार के लिए भेजा है। अरब व्यापारियों की इस बात को सुनकर चेरामन पेरुमल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी इस्लाम के बारे में जानने की ठानी। इसके बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में अच्छे से समझा। अरब के व्यापारियों ने उन्हें इस्लाम की खूबियों के बारे में बताया। धीरे धीरे चेरामन इस नए धर्म के इतने करीब गए कि अपना धर्म छोड़कर उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। इस तरह से इस्लाम को अपनाने के बाद वो गए अरब की यात्रा पर, वहां जहां पर पैगंबर मोहम्मद ने अपना संदेश दिया था। अरब में रहते हुए पेरुमल ने अपना नाम बदलकर ताजुद्दीन रखा। हालांकि अरब में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने देशवासियों को संदेश भेजा कि वो इस्लाम को स्वीकार करें और इसके अनुयायियों का आदर करें। अरब में उनकी इस बात का सम्मान करते हुए एक मुस्लिम मिशनरी समूह केरल की ओर निकल गया। इस मिशनरी समूह का नेतृत्व कर रहे थे मलिक बिन दीनार। मलिक बिन दीनार जब केरल पहुंचे तो लोगों ने उनका अच्छे से स्वागत किया। वो सबसे पहले कोडंगलूर में आए थे। इस जगह पर चेरामन पेरुमल का प्रभाव पहले से ही था। फिर यहां रहते हुए मलिक दीनार ने और उनके साथियों ने इस्लाम का प्रचार किया। साल 629 ईस्वी में चेरामन जुमा मस्जिद की उन्होंने स्थापना की। इस तरह से देश में पहली मस्जिद बनाई गई पैगम्बर मोहम्मद की मृत्यु के कुछ ही साल बाद। दोस्तों, आज अगर आप इस मस्जिद को देखेंगे तो आपको इस्लामिक स्ट्रक्चर की झलक बहुत कम दिखाई देगी। ये एक सिंपल सी मस्जिद है जिसे कि केरल की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया था। इस मस्जिद में छतें ढलान वाली हैं और अंदरूनी हिस्से लकड़ी के बने हुए हैं जो नक्काशीदार तरीके से बनाए गए। यहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि इस मस्जिद में इस्लामिक आस्था का एक ऐसा मिक्सचर है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। मलिक दीनार के बाद भी यहाँ मस्जिद को बनाया जाता रहा। आगे चलकर यह मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं रही, बल्कि इस्लाम के प्रसार का प्रतीक बन गई। खास तौर पर केरल के मापिला मुस्लिम समुदाय में इस्लाम धीरे धीरे व्यापारी संबंधों के जरिए फैलने लगा। यानी कि साउथ में इस्लाम नॉर्थ के इस्लाम से अलग तरीके से फैला। दोस्तों, मापिला मुस्लिम लोगों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में अरब व्यापारियों के वंशज और लोकल इस्लाम को अपनाने वाले लोग शामिल हैं। ये लोग केरल की दूसरी कम्युनिटी से मलयालम भाषा को शेयर करते हैं और लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिलकर यहाँ एक अलग इस्लामिक आइडेंटिटी को बनाते हैं। चेरामन पेरुमल मस्जिद उस समय के सांस्कृतिक और धार्मिक मिलन का भी प्रतीक थी। केरल के लोकल लोगों ने तब अरब के व्यापारियों से न केवल धर्म की शिक्षा ली, बल्कि उनके तौर तरीके, कहानियों और उनकी संस्कृति को भी सीखा। केरल में इस मस्जिद के बाद से इस्लाम इतनी आसानी से फैला कि कभी यहाँ पर इस्लाम, हिंसा या तलवार का कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस मस्जिद ने न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक केंद्र का काम किया, बल्कि यहाँ से इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों की शिक्षा भी दी जाने लगी थी। हिस्टोरियन MGS नारायणन बताते हैं कि केरल में इस्लाम का प्रसार ट्रेड के माध्यम से हुआ, ना कि युद्ध के माध्यम से, जो इसे नॉर्थ इंडिया से अलग बनाता है।
वहीं एसएस मोहम्मद कोया जैसे हिस्टोरियंस का मानना है कि चेरामन पेरुमल मस्जिद सांस्कृतिक मेल जोल का प्रतीक है, जहां पर अरब ट्रेडर्स और लोकल लोग बिना किसी टेंशन के आपस में एक दूसरे से घुल मिल गए। दोस्तों, वक्त के साथ भले ही ये मस्जिद कई बदलाव देख चुकी हो, लेकिन करीब 1400 साल पुरानी इस मस्जिद का ओरिजिनल स्ट्रक्चर आज भी वैसा का वैसा है, जिसमें लकड़ी के खंभे हैं और ढलवा छतें शामिल हैं। यही वजह है कि ये मस्जिद आज भी केरल के डाइवर्स और रिच कल्चरल हिस्ट्री का बेहतरीन सबूत मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी भारत की पहली मस्जिद की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।